नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मंडली जिला अस्पताल व महिला अस्पताल की सुरक्षा की कमान अब रिटायर्ड सेना के जवानों के हाथों में होंगी। सेवानिवृत्त जवानों को जिला अस्पताल में बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। सभी जवान जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड से आए हैं। इससे पहले एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्डों को रखा गया था। जिले के सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ होने से व्यवस्थाएं बेपटरी पर हो जाती हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। अब तक एजेंसियों के माध्यम से तैनात सुरक्षा गार्ड लापरवाही भी बरतने थे। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अस्पतालों में घटित हुई घटनाओं के बाद अस्पतालों की सुरक्षा को बेहतर करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सीएमओ कार्यालय से जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के कंधे पर सौंपी गई है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और मरीजों के बीच झड़पों और मारपीट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस बाबत सीएमओ ने सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम को पत्र भेजा था। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की सुरक्षा के लिए गार्डों को वार्डों से लेकर इमरजेंसी तक अलर्ट किया गया है। रात के समय परिसर में बेवजह घूमने वाले व अस्पताल प्रशासन कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी तक अस्पतालों को महिला गार्ड नहीं मिल सका है। सर, आजमगढ़ जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है। कितने सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और क्या इसके लिए अब तक कितने सुरक्षा गार्ड हैं, कितने महिलाएं, कितने पुरुष? हमारे भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार के हॉस्पिटल में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हमारे शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि भूतपूर्व सैनिकों को ही इसमें रखा जाए। हमारी आवश्यकतानुसार हमने जो 103 सुरक्षा बलों की प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजा था भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम को, उनके यहाँ से धीरे धीरे अभी तक 26 सुरक्षा गार्ड प्राप्त प्रदान किए गए हैं। अभी और अभी कोई महिला सुरक्षा गार्ड अभी तक नहीं आया, उसमें से विभिन्न जगहों पर उनको तैनात किया जा रहा है। जैसे जिला महिला अस्पताल में किया गया है और मंडलीय चिकित्सालय में किया गया है, तरवा में किया गया है और तुम्हारे कोयलसा में अभी एक किया है। बाकी जगह भी जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनके अभी एकदम पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिल रहे हैं। जैसे जैसे मिल रहे हैं उनको तैनात किया जा रहा है, जिससे कि हॉस्पिटल में कोई एकदम स्थिति सब कंट्रोल में रहे, मरीजों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, ना चिकित्सक या स्टाफ को कोई दिक्कत हो। सर, आजमगढ़ में सुरक्षा गार्ड तैनात किए कुल सुरक्षा गार्ड 25 तैनात किए जाने हैं, जिसमें 3 महिलाएं रहेगी और 22 जो है पुरुष है। इसके क्रम में 13 सुरक्षा गार्ड पुरुष अब तक अस्पताल में ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अस्पताल में आए दिन लड़ाई झगड़े विवाद होते रहता था। इन विवादों पर रोक लगाने के लिए और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एवं चिकित्सीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन गार्डों की परम आवश्यकता थी। लोकल गार्ड रहते तो उनसे दिक्कत होती, ये सारे फोर्स वाले हैं जो कि पूरी तरह से डिसिप्लिन अनुशासित होते हैं और ऐसे ही अनुशासित लोगों की जरूरत थी जिससे कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया जा सके एवं जो दलाली के प्रकरण में सब लोग लगे रहते हैं उनको ट्रैप करके उन पर हमारी कार्रवाई करें, क्योंकि इनसे मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है अस्पताल। तो अस्पताल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित करके और ठीक से काम, क्योंकि मैं मुझे जो महसूस हुआ, मैं सब लोगों से फाइट कर रहा हूँ और लोग जो है फ्लडिंग मोड में हैं, भागने के मोड में हैं, तो ये भागने वाला मोड सही नहीं है। कब तक भागेंगे, कहाँ भागेंगे? तो भागना नहीं है, उनका सामना करना है, सामना करना है, अपनी सुरक्षा के साथ सामना करना है। इसी के क्रम में सरकार ने सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करती है, इसके लिए मैं सरकार के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।